अब मेरे साथ एक और बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। वर्ल्ड हंगर डे पर अगर सोचिए उनके हाथ का खाना आपको खाने को मिल जाए तो जिसे कह सकते हैं ना कि जन्नत नसीब हो गई। जी हाँ, जाने माने शेफ सेलिब्रिटी संजीव कपूर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि न सिर्फ हिंदुस्तान के बेस्ट शेफ रह चुके हैं, उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है और यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन संजीव कपूर साहब, मैं शुरुआत करूंगा आपके उस एक बड़े कारनामे के साथ जो आपने करके दिखाया 2017 में, जब वर्ल्ड फूड में फेस्टिवल जो हुआ था हिंदुस्तान में, तब आपने 918 किलो खिचड़ी एक साथ लाइव बनाई थी। अब इस वक्त कोरोना का जो माहौल है, मुझे लगता है कि 918 किलो से नहीं, शायद 9000 या 90000 किलो खिचड़ी बनाने का वक्त आपके लिए आ रहा है, इस तरह का माहौल है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने देखने वाले हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, वो बात 2 साल पुरानी थी, वर्ल्ड फूड इंडिया जब हुआ था नई दिल्ली में, तब वो रिकॉर्ड किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन बिल्कुल सही बात है, इस समय जो है ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि उस समय भी जब खिचड़ी बनी थी और इतनी क्वांटिटी में थी, तो जो खिचड़ी बनाने का दायित्व था पूरा साथ में टीम में, हमारे साथ में अक्षय पात्रा की टीम थी, वृंदावन से तब आई थी। और मैं कहूँगा कि खिचड़ी और बहुत तरह के भोजन और बहुत तरह के खाने के पैकेट अभी अक्षय पात्रा जो है वो बांट रहा है पूरे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत वर्ष में हर रोज। अब तक पिछले करीब 55 दिनों में अक्षय पात्रा ने करीब 5.5 करोड़ जो भोजन है उनका इंतजाम किया है, मील्स के रूप में, फूड पैकेट्स के रूप में। तो ये जो क्वांटिटी है 900 किलो 9000, ये बहुत छोटी पड़ जाती है जब एफर्ट आता है अक्षय पात्र का। उसके सामने जो संस्था हर रोज बच्चों को, 18 लाख बच्चों को हर रोज स्कूलों में खाना खिलाए पूरे भारत वर्ष में मिड डे मील कार्यक्रम के द्वारा, और जब स्कूल बंद है, सब कुछ बंद है, तो ये नहीं है कि अक्षय पात्र छुट्टी लेके बैठा है। अक्षय पात्र ने बीड़ा उठाया है और आज वर्ल्ड हंगर डे है, तो ऐसे में आगे बढ़ के काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया है। हम लोग आपस में अक्षय पात्र में हमारी जो कंसल्टेटिव कमेटी है उसमें हम बात करते रहते हैं कि जितना टीम अक्षय पात्र करती है हर बार वर्ल्ड रिकॉर्ड हर रोज़ बनाती है। तो मैंने जो किया, मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस समय वो खिचड़ी का बहुत छोटा है, अक्षय पात्र जो करता है वो बहुत ऊपर है। क्या बात है, क्या बात है। संजीव कपूर साहब, एक तरफ तो है ना वो लोग हैं जो संजीव कपूर साहब के हाथ का खाना खाना जिन्हें नसीब हुआ है, मतलब वो तो कह सकते हैं कि ऊपर से नसीब ही लेकर आए हैं, या उन्हें आपकी रेसिपी पर खाने को भी जिन्हें नसीब हो उनका कहना ही क्या। और एक तरफ, दूसरी तरफ वो जमीनी हकीकत है जहां लोग अपना पेट भर नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग जो प्रिविलेज्ड है जिन्हें आपकी रेसिपीज या आपके हाथ का खाने खाने का सौभाग्य मिला है, उनके लिए मैसेज दीजिए कि जो लोग भूखे पेट सो रहे हैं उनके लिए उन्हें इस माहौल में क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत बहुत सिंपल है। देखिए, अगर स्वाद के बारे में कहूँ, खाने के बारे में कहूँ, तो शायद मुझसे ज़्यादा कम लोग जानते होंगे, लेकिन अगर भूख की बात करें तो भूख जो है, मैं कहूँगा कि अगर भूख समझनी है तो भूखा रहना पड़ेगा, थोड़ा सा भूखा, कुछ घंटे ही भूखा रह के देखें और तब समझ आता है कि भूख क्या है। तो शुरुआत करनी है, बहुत आसान तरीके हैं। अक्षय पात्रा से मैं काफ़ी सालों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि जिस तरह से अक्षय पात्रा काम करते हैं, जितने कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खाना पहुंचाने की जो ताकत अक्षय पात्र में है, वो मैंने दुनिया भर में कहीं नहीं देखी है। तो मैं कहूँगा कि सीधा अक्षय पात्र की वेबसाइट है, आप फोन के द्वारा, पेटीएम के द्वारा बड़ी आसानी से आप जो कुछ भी दान देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आप 1500 रुपये देते हैं तो आप करीब 100 भोजन खिला रहे हैं, और ये सिर्फ अक्षय पात्र ही कर सकता है। 1500 लोग
और सो भोजन, आप कहीं भी कोशिश करके देख लीजिए, आप किसी भी संस्था के साथ बात कर लीजिए, आप खुद बना के देख लीजिए। लेकिन ये जो एफिशिएंसी है, तो मैं कहूँगा कि एक जाहिर सी बात है, खुद लोग खुद भी करते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से, सफाई के साथ, हाइजीनिक तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से आजकल ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अक्षय पात्रा कर रहा है, तो उनके साथ जुड़िए और उनके थ्रू मैं कहूँगा जो कुछ भी आपने देना है उनको देंगे, तो वो सबसे अच्छी तरह से जो आपने कंट्रीब्यूट किया है अच्छी तरह से इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि बहुत आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके साथ अक्षय पात्रा ने पार्टनर किया हुआ, आप हो सकता है शॉपिंग कर रहे हो और आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ कि अक्षय पात्रा को डोनेट करें, अमेजोन के साथ में वैसा किया हुआ है, अक्षय पात्रा .org साइट है, पूरी दुनिया भर में लोग कर सकते हैं, मैं जानता हूँ किसी बिजनेस पूरी दुनिया भर में देखा जाता है, पूरी दुनिया भर से आप दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के द्वारा दे सकते हैं, अभी बैठे बैठे मेरे सामने बैठे बैठे आप फोन पे जाएं और इमीडिएटली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट देने की जरूरत है। हाँ, ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक घर में एक करे, अगर एक घर में चार लोग हैं, चारों लोग अपना करें कि हर महीने 100-100 रुपए चारों लोग करेंगे, और मैं जानता हूँ कि चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सबको ही, सब लोग ये कर सकते हैं, और ये इसकी आदत डाल लें, और इस आदत से जो हम अक्षय पात्रा के द्वारा हम जो खाना बांट सकते हैं उसमें बहुत मदद होगी, और ये वर्ल्ड हंगर डे, जैसे शंकर जी ने कहा कि अक्षय पात्रा में हम लोग बात करते हैं कि फ्यूचर अक्षय पात्रा का क्या है, फ्यूचर ये है कि अक्षय पात्रा की जरूरत ना हो, और इसी तरह से आपने जैसा कहा कि वर्ल्ड हंगर डे मनाने का इस तरह का जितनी जल्दी हम खत्म कर सकें उतना ज्यादा अच्छा होगा, तो शुरुआत करें, आज से शुरुआत करें, और भूख अगर समझ नहीं आ रही तो कुछ घंटे भूख को अपना के देखिए, फिर समझ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो संजीव कपूर साहब, जो दुनिया, मतलब मैं ये कहूँगी ना, कहते हैं ना कि एकदम जो आइडियल सिचुएशन दुनिया में होगी वो यही होगी कि अक्षय पात्र फाउंडेशन जैसे फाउंडेशन की जरूरत ना पड़े भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए, और हर एक इंसान को संजीव कपूर साहब की रेसिपी या उनके हाथ का खाना खाने को मिले, वो परफेक्ट वर्ल्ड होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कभी ऐसा हो तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। जी नहीं, मैं एक तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जी 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 सर जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि अक्षय पात्रा में जो हम लोग स्कूलों में खाना देते हैं वो पौष्टिक खाना, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो पूरा होना चाहिए, तो उसपे काफी ध्यान देते हैं हम लोग, जो मेन्यू है उसपे काफी काम किया जाता है। तो इसी तरह से ये जो कोविड की महामारी है इसमें जो खाना है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर उसपे स्वाद का ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसमें न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जितने किचन हैं, जो पूरे पैकेट्स हैं उसमें सारा ये ध्यान दिया जा रहा है। तो ये समझ के चले कि जितना भी ये खाना दिया जाएगा उसमें सभी का पूरा स्वाद हमेशा रहेगा, तो इस स्वाद के साथ जुड़िए और अक्षय पात्रा के साथ जुड़िए। वाह, बहुत ही बढ़िया सर, आपके चेहरे को देख के वैसे ही लोगों को पॉजिटिविटी एनर्जी मिल जाती है, और आपने ये कहा कि अगर अक्षय पात्रा के साथ आप जुड़ते हैं, ये मान कर चलिए संजीव कपूर साहब का स्वाद उसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।